हेलो, बोल इज दैट शैलेंद्र? रहे हैं? शैलेंद्र रोमा. रोमा ओके, आई वांट टू टेल यू समथिंग शैलेंद्र. जानती हैं? थोड़ा फोन में आवाज कम, हिंदी में बोलिएगा का। शैलेंद्र, सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मैट्रिमोनियल में मैंने आपको देखा था. आई वांट टू अच्छा टेल यू, अच्छा मैंने आपको एक बार मार्केट में भी देखा है. एंड हाँ बताइए। अच्छा शैलेंद्र, मैंने बहुत सोच समझ के आपको कॉल किया. मैं भी शादी करना चाहती हूँ. एंड यू नो, तो एक काम कीजिए ना, हाँ, हम लोग मिल लिया जाए, मिल के हम लोग बात कर लिया जाए। बट शैलेंद्र, आई वांट टू टेल यू समथिंग. एक प्रॉब्लम है. अब शादी ब्याह का मामला है, हर चीज बताइएगा, नहीं तो फिर खुल के ना रहना होगा। अब हम लोग को, और हम आपको सब सच बताएंगे अपने बारे में, आप हमको सब कुछ बताइएगा। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये होना चाहिए, बट शैलेंद्र, आई हैव अ किड. मेरा बच्चा है शैलेंद्र. हम भी बच्चे हैं अपने माँ बाप के, तो मान लीजिए कि बाबूजी का डेथ हो गया है ना, तो बच्चा बड़ा हो जाएगा, हम बड़ा करेंगे उसको, काहे टेंशन लिए हैं उस सबका। क्या नहीं, इस बच्चे के पापा की डेथ नहीं हुई है. हो गया, मान लीजिए डाइवोर्स हो गया ना, यही बात है, डाइवोर्स हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं है। ऐसा थोड़ा ना है कि आप जवानी में ऐसे ही बैठी रहिएगा, शादी ब्याह कीजिएगा, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाइएगा। हम खुले विचार के आदमी हैं। डिवोर्स नहीं हुआ है शैलेंद्र. तो डिवोर्स हो जाएगा, आप डिवोर्स चाहती हैं ना, तो डिवोर्स करा देंगे हम, हमारे दोस्त लॉयर हैं, घबराइए मत। तो सबके लिए खुला विचार के हम लोग आदमी हैं, 2014 में जी रहे हैं, कतन में नहीं 2015 हो गया ना जी। नहीं रोमा सुनिए, मेरी बात नहीं सुनिए, हम कह रहे हैं कि हम लोग कोर्ट में शादी कर लेंगे, ऐसा क्या नहीं दिक्कत है, कोर्ट में डिवोर्स, तुरंत झट डिवोर्स होगा, अपट ब्याह हो जाएगा। मैं सुनिए ठीक है ना, हमारा मामा है ना, नहीं. वो बोल रहे हैं 2.5 लाख खर्चा है शादी में, या 3 लाख खर्चा है शादी में। अब हम लोग अपना फ्यूचर क्या देखेंगे, शादी भी है, पहले पहले देखिए, तुरंत डिवोर्स में कोई दिक्कत नहीं होगा, डिवोर्स नहीं, तुरंत हो जाएगा, डिवोर्स डिवोर्स नहीं 5 मिनट का खेला देना है, है. ठीक है ना। डिवोर्स अब पट नहीं ब्याह कर लिया देना जाएगा, है. पट हम लोग निकल चला जाएगा, क्या डिवोर्स बात है, नहीं बच्चा बच्चा को देना भी है. लेके चला जाएगा। आप बोलिए, आपको हम बाद में बोलने देंगे, ब्याह के बाद जितना बोलना है बोलिएगा, लेकिन अभी मेरा बात सुनिए ठीक है ना। हम लोग डिवोर्स, अभी पहले सबसे पहले डिवोर्स देने के लिए हम लोग कोर्ट में जाना होगा, 5 मिनट में तुरंत हम लोग फिर ब्याह हुआ करके उधर ही निकल चला जाएगा। अब बाकी आदमी तंग करेगा आपको, तो हम है ना, वो तंग नहीं करेगा, मैं उनके साथ खुश हूं. अभी आप खुश हैं, लेकिन हमसे लिख के ले लीजिए, आप ज्यादा दिन खुश नहीं रहिएगा ये आदमी के साथ, समझ रही हैं रोमा? ये बात हमसे लिखवा के ले लीजिए, यानी हमारा ही देख लीजिए ना। अब हम आज 40 ईयर्स के हो गए हैं, स्टील अ वर्जिन, बताइए रोमा। हाँ, हेलो रोमा, क्या यस यस. तब क्या सोचिए आप, बताइए कब वेट किया जाए हम लोग? मुश्किल है. आई डोंट थिंक सो, नहीं हो पाएगी. सब कुछ ठीक है यहाँ ए पे. रोमा बहन, कर लीजिए ना शादी, देखिए बात समझिए, देखिए हम आपको कह रहे हैं, हम आपको बहुत खुश रखेंगे है ना, हमारे साथ जितना आदमी रहा है सब लोग खुश रहा है, भले हम कभी टच नहीं किए ना, हमको कोई टच किया है, लेकिन हम बहुत खुश रखे हैं हमेशा। हेलो, गौतम सहनी साहब, हाँ जी, सर आपके 2 मिनट दे सकता हूँ? बिकॉज सर, अभी इलेक्शन से पहले सारे दिल्ली में जितने भी ट्रांसपोर्ट को लेके परेशानी है सर, उनसे रिलेटेड मैं कुछ सवाल कर रहा हूँ. सर, हमें पता चला कल आपने दिल्ली में ऑटो से ट्रैवल किया था, तो एक रिमार्क बुक है सर मेरे पास. अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दें तो मैं थोड़ा सा ये रिमार्क आपसे पूछना चाहता हूँ. सर, ऑटो सही चल रहा था या किसी तरह की कोई कठिनाई या परेशानी तो नहीं हुई थी सर? तो नहीं मैंने कोई कंप्लेंट तो नहीं करी है, किस बात के लिए मेरे नहीं से नहीं इतना मेरे कंप्लेंट पे? आपने नहीं करी है सर. मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि सर जितने भी लोग ऑटो से ट्रैवल कर रहे हैं, हम सभी लोगों से पता कर रहे हैं कि भाई ऑटो सही चल रहा है या नहीं. अब तो जब मुझे किसी ने बताया, आपके कोई जानकार है, मैं इनका नाम क्या था, सुमन, अंकित अंकित जी ने मेरे को आपका नंबर दिया था, और ये कहा था कि इन्होंने अच्छा भी ऑटो से कल गए हैं. सर थोड़ा सा मेरे को बता दीजिए, मैं आपके 1 मिनट लेना चाहूँगा. ये सभी के आसानी के लिए, ये दिल्ली वालों के लिए ठीक रहता है. सर कहाँ से आपने ऑटो पकड़ा था और कहाँ गए थे? मैंने तो कोई कंप्लेंट करी नहीं, तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ नहीं रहे नहीं नहीं हैं? कंप्लेंट की बात ही नहीं है सर, मैं जनरली ये फीडबैक फॉर्म भरना चाह रहा हूँ. सर मुझे ये सिर्फ बता दीजिए, आपने कहाँ से ऑटो पकड़ा था और कहाँ गए थे? मैंने मयूर विहार से ऑटो पकड़ा था, मयूर विहार से. और कहाँ तक गए थे सर? लक्ष्मी नगर तक। लक्ष्मी नगर तक. सर मैं जान सकता हूँ ऑटो वाले की स्पीड ठीक थी? हाँ बिल्कुल ठीक थे, नॉर्मल स्पीड जो उनकी रहती है, कंट्रोल है, वही स्पीड थी। सर मीटर से गया था ऑटो वाला? हाँ मीटर से गया था। सर कोई ऐसी चीज आपने देखी हो जिसमें ब्रेक व्रेक उसने सही लगाई हो नहीं या नहीं कोई? नहीं उसने एकदम सही चलाया था ऑटो, ऐसी बात नहीं है।
बल्कि वो तो बढ़िया गाने चला था, वो लारा सा गाने सुना था वो, अच्छा। और अल्ताफ राजा की सीडी लगा रखी थी, और अल्ताफ राजा का फैन था शायद। नहीं सर, अल्ताफ राजा का फैन नहीं था वो। अरे नहीं नहीं मुझे तो यही लगा था, वो पूरे रास्ते अल्ताफ राजा के गाने सुना था। नहीं सर, अल्ताफ राजा का फैन नहीं था सर वो, फिर अल्ताफ राजा ही था सर वो। एक बार दोबारा बैठ मैं देख लिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसकी ऐसी उसकी वैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा। ऐसी की तैसी। हेलो इशिका। हाँ जी, कौन? इशिका जतिन, मैट्रिमोनियल। ओ ओके, हाय जतिन। हाय। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, एंड यू? मी टू। वेयर आर यू फ्रॉम? बिहार। और कितना पढ़े हैं आप जतिन? तुम्हारे जितना। मेरे जितना मतलब? मतलब मैं भी इतना पूछने के बाद हम हिंदी बोलने लगते हैं, हम भी वेयर आर यू फ्रॉम के बाद हिंदी बोलने लगते हैं। हम भी का हलवा। बस ठीक। आपका किए हैं? बीए पास। पास कर लिया था? हाँ कर लिया था। माँ कसम खाइए ना एक बार। पागल तो नहीं है? हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार, कौन बोल रहा? सर मैं क्षमा चाहूंगा, मैं आपको फोन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आपको बात करना जरूरी है आपसे। सर मैं आपको बताता हूँ, हम एक बार आपके गांव आए थे, बसेना गाँव। हाँ जी। तो यहाँ पता चला कि आप खुद एक नेता हैं, एक आजाद उम्मीदवार की हैसियत से गांव में आप सोचते भी हैं चीजें। तुम बताओ क्या काम है? काम मुझे ये था सर, ये मेरे भी एक फाइट है कि महंगाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और मुझे ये पता चला कि आप भी इस बात का, आपको भी समझ है कि महंगाई बहुत हो गई, और आपने काफी चीजें बताई भी है कि इन चीजों पे असर पड़ रहा है, जो लोग जन को खाने को ना मिल रहा है, चीजें महंगी होती जा रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब तुम कोई भी चीज देख लो, दाल देख लो, दाल पहले ये कहा जाता था कि आदमी जो है दाल रोटी खा लेगा, दाल उसका मैंने छोड़ा, दाल रोटी का मैंने छोड़ा, जो जो चीज है वो महंगी हो रही है, जो चीज है वो महंगी हो रही है, जो जो मजदूरन काम कर रहे हैं ना उनके हद से तो कुछ ना पड़ रहा। नहीं मैं आपकी बात से इस पे इत्तेफाक रखता हूँ, जो जो चीज महंगी होनी है वो तो सच्ची कर दे। अब गन्ने के रेट पे अब वो जाए मिल वाला पैसा नहीं दे रहा, कोई बीमार हो जाना इलाज, ये मैं समझ सकता हूँ कि इलाज बाकी में वो सस्ता होना चाहिए। हुँ, हुँ, जो कि जरूरी है, दूसरी का चीज जरूरी है, जो ये देख लो तुम, ये शिक्षा। अब तुम यू देखो कि जो मेरे गांव के ये छोरा है, ये जा रहे हैं दिल्ली, वहां से बता रहे हैं 25-30 लाख हो रही है फीस। नहीं एजुकेशन भी सस्ती होनी चाहिए, मैं इस बात को, आपकी हर बात को मैं मानता हूँ सर। कुछ तो पब्लिक भी जो है ना वो टीवी देख के पागल हो रही है। नहीं ये तो है कि महंगाई थोड़ी बहुत लगती है ना, ना टीवी नहीं बहुत पागल कर रखा है। देखो महंगाई तो हो रही है, उसमें जो है घर गृहस्थी संभालना भी जरूरी है। अब देखो जैसे मतलब जब महंगाई हो रही है तो भाई लौंडे को पढ़ा लिया ना, उसके बाद लड़की को पढ़ाएंगे, फिर कहेंगे खाने को नहीं है। हेलो। हाँ जी नेता जी। हाँ तो मैं यूँ कह रहा हूँ कि थोड़ी बहुत पब्लिक को भी जो है ना अकल से काम लेना चाहिए। मैंने सोच के तो कुछ और किया था आपको फोन, मैं आपको बिल्कुल सही बताऊँ नेता जी। अब मैं आप महंगाई के बारे में बता रहे हैं सर, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सर महंगाई जो है उससे हर चीज पे असर नहीं पड़ा है सर, कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं महंगी हुई हैं, सारी चीजें महंगी हो रही हैं। देखिए मैं आपकी शुरू से बात मानता आ रहा था, लेकिन मैंने कुछ चीजें सुनी तो मुझे लग रहा है कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, कुछ चीजें नहीं महंगी हो रही हैं।
अरे भैया कुछ नहीं सस्ता हो रहा, सारी चीजें महंगी हो रही हैं। कुछ चीजों पे महंगाई का असर पड़ा ही नहीं है। मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, मैं तो ये बात कहीं और ले जाना चाह रहा था घुमा के, लेकिन अब मुझे मजबूरन यहाँ ले जानी पड़ रही है। समझ गया भाई, हमारे तो कोई समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज ना महंगी हो रही है। सर मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक नेता है हाँ, और ये बहुत सारे नेता है। सर आप बताइए महंगाई पे, महंगाई से नेता पे क्या असर पड़ा है ये बताइए आप। क्यों नेता असर ना पड़ा, नेता ना खाता नहीं, कीमत बताइए ना आप। मतलब कहाँ महंगाई बढ़ी है नेता जी, आप पहले भी दो कौड़ी के थे, आज भी दो कौड़ी के, कहाँ आप ये कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई। यार मैं तो इस टॉपिक पे लाने नहीं चाह रहा था, मैं तो सोच रहा था कि कुछ अलग तरीके से कुछ हंसी मजाक होगा, ये तो आपने कमाल कर दिया है यार। आपसे क्या बात करें यार, बोल कौन रहा तू, बोल कौन रहा है सर, आप छोड़िए आप, अब मैं आ जाऊंगा।